वेइंग ऑफ करेक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वट इज ए करैक्टर करैक्टर इज बेसिकली एन एट्रीब्यूट ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन सेपरेट ए टैक्सॉन फ्रॉम एन अदर टैक्सॉन बेसिकली एक करैक्टर जो है ये एक ऐसा मॉड्यूल है एक ऐसा एट्रीब्यूट है किसी भी ऑर्गेजम्स का जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ स्पीशीज़ के मेम्बर्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं अब बेसिकली ये ख्याल किया जाता है कि जो करेक्टर्स हैं दे आर रॉ मटीरियल फॉर क्लासीफिकेसन बहुत सारे करेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका फाइलोजेनेटिक कॉन्टेंट्स ज़्यादा होता है ऐसे करैक्टर्स को हाई वेट करैक्टर्स कहते हैं ये क्लासीफिकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं इसके अलावा बहुत सारे करैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका फाइलोजेनेटिक कॉन्टेंट्स कम होता है ऐसे करैक्टर्स जिनका फाइलोजेनेटिक कॉन्टेंट्स कम हो वो टेक्सोनोमिकली इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जो हाई वेटेज करैक्टर होते हैं टेक्सोनिस्ट इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं जबकि जो लो वेट करेक्टर होते हैं इनका इस्तेमाल बहुत कम है स्लाइड में अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्पीशीज ए और स्पीशीज बी इसको हम प्लीमेज की मदद से एक दूसरे से जोड़ते हैं इस रिलेशनशिप की बेस के ऊपर हम इस उनको एक ग्रुप के अंदर रखते हैं तो यहाँ पे प्लियुमेज एक करेक्टर है लेकिन अगर हम एक और करेक्टर देखते हैं तो उसमें बोन्स को अगर हम कंसिडर करें तो ए और सी जो स्पीशीज हैं ये एक दूसरे के क्लोज हैं अब यहाँ पे दो करेक्टर्स की बेस के ऊपर जो ग्रुपिंग है वो डिफरेंट हो रही है फॉर एग्जाम्पल अगर हम पुल्यूमेज को कंसिडर करते हैं तो ग्रुप ए और बी एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं और अगर हम बोन्स का करेक्टर लेते हैं तो उसमें स्पीशीज ए और स्पीशीज सी एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं तो टेक्सोनोम के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कौन से डिस्कॉर्डेंट करैक्टर्स जो है उनके ऊपर ट्रस्ट किया जाए क्योंकि ये जानना जरूरी है कि करेक्टर्स में से हमने ऐसे करेक्टर्स को सिलेक्ट करना है ऐसे करेक्टर्स को चूज करना है जो कि टेक्सोनिकली इम्पॉर्टेंट हो और जिनका फाइलोजेनेटिक कंटेंट ज्यादा हो तो बेसिकली वेइंग ऑफ करेक्टर से क्या मुराद है वेइंग ऑफ करेक्टर से मुराद है कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसकी मदद से हम ये जानते हैं कि कौन सा करैक्टर हाईब्रिटेज का है और कौन सा करैक्टर लो वेटेज का है तो करैक्टर वेटिंग ये एक प्रोसीजर है इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए अब दो मॉडल्स हैं करैक्टर्स की वेटेज को चेक करने के लिए जो पहला मॉडल है प्रायोरी ये जो कंसेप्ट था ये अरिस्टोटल ने प्रपोज़ किया था क्योंकि अरिस्टोटल के दौर के अंदर जो टेक्सोनोमी थी इसने बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं की थी और ज़्यादातर जो एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन थी वो मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स की बेस के ऊपर होती थी अब ये जो करेक्टर यूज़ करते थे उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी थी इस वजह से इनका फाइलोजेनेटिक कंटेंट भी कम था इसी वजह से ये लो वेट करैक्टर थे इस वजह से ये जो मॉडल था इसको रिजेक्ट कर दिया गया ये जो मॉडल था ये अडेंसन ने रिजेक्ट किया और इसके बजाय एडनसन ने एक और मॉडल प्रपोज किया जिसको पोस्टरि कहते हैं इस मॉडल के मुताबिक ऐसे करेक्टर जिनका फाइलोजेनेटिक कंटेंट ज्यादा है उनको कंसिडर करना चाहिए और इस मॉडल के बाद मेजॉरिटी ऑफ जो क्लासिफिकेशन हुई है पास हिस्ट्री के अंदर उसके अंदर इसी कंसेप्ट की बेस के ऊपर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है यानी ऐसे करेक्टर्स जिनका फाइलोजेनेटिक कंटेंट ज्यादा था उनको ज्यादा वेटेज दी गई है और ऐसे करेक्टर्स जिनका फॉलोजेनेटिक कंटेंट कम था उनको कम वेटेज दी गई है